हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग गुड इवनिंग वेलकम बैक टू जुडिशरी कैसी चल रही है तैयारी आप सबकी एमपीसी की, की? <coughs> तो अपन आई पी सी डिस्कस कर रहे थे अपन ने सेक्शन वन तक कल सारे सेक्शंस डिस्कस कर लिए थे जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उन सारे सेक्शंस को अपन ने कवर कर लिया और अब आज आ, आज अपन आगे स्टार्ट करेंगे बेसिकली सेक्शन वन वन से आगे जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसको अपन कवर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट आपके प्री में पूछे जा सकते हैं उन सारे सेक्शंस को अपन बेसिकली यहाँ पर कवर करेंगे ठीक है ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन आगे क्लास स्टार्ट करते हैं

कि भाई उसको कोई भी एविडेंस जो है सच देना है या उसमें कोई भी बेसिकली उसको झूठ नहीं बोलना है वो पर्सन लीगली बाउंड था ओथ के ऊपर या फिर किसी भी ऐसे प्रोविजन लॉ के थ्रू जहां पर उसको ट्रुथ को स्टेट करना था और अगर वो ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है जो उसको पता है फॉल्स है या फिर उसको ये पता है कि ट्रू नहीं है तो वो आपका कैटेगरी जाएगी वो आएगी गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंस वो बात करता है सेक्शन 191 आपका ठीक है फिर 192 में बेसिकली दे रखा है फैब्रिकेटिंग फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस तो में क्या है कि भाई आप जो है फॉल्स एविडेंस को गढ़ रहे हो है ना आप फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रहे हो भाई आपने जो है यहाँ पर अगर कोई ऐसा बुक है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है या फिर आप कोई इसमें डॉक्यूमेंट आपके दे रखा है उसके अंदर आप बेसिकली कोई फॉल्स एंट्री क्रिएट कर रहे हो या फिर आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो जो बेसिकली किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में यूज हो सकता है एज ए एविडेंस एविडेंस के फॉर्मेट में यूज हो सकता है या फिर वो किसी ऐसी प्रोसीडिंग में यूज हो सकता है बिफोर पब्लिक सर्वेंट या फिर किसी आर्बिट्रेटर के सामने और बेसिकली ऐसा एविडेंस यूज कर कर आप जो है जो कोर्ट अपना फॉर ओपिनियन फॉर करेगी या कोर्ट जो भी ओपिनियन देगी उससे कहीं ना कहीं आप मेटेरियली अफेक्ट कर रहे हो या वहां पर सामने वाली कोर्ट के या जो भी अथॉरिटी है उसका जो भी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है उसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन आ सकता है क्योंकि आप ऐसा फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहे हो क्रिएट कर रहे हो तो ऐसे बेसिकली को को ऐसे ऑफेंसेस बोला जाता है टिंग फॉल्स एविडेंस ये बात करता है आपका सेक्शन वन ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब इसकी पनिशमेंट दे रखिये आपके 193 के अंदर पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस तो यहाँ पर पनिशमेंट है आपके सात साल तक हो सकती है और उसके अंदर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है तो आपको यहाँ पर पनिशमेंट इसमें ध्यान रखनी है ठीक तो कि भाई आपको जो है फॉल्स एविडेंस देना है कोर्ट के सामने हो सकता है किसी अथॉरिटी के सामने हो सकता है या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने हो सकता है तो जब आप किसी पर्सन को धमका कर उसको बोलते हो आपको फॉल्स एविडेंस देना है तो वो आपके वन नाइनटी फाइव ए के अंदर फॉल हो जाता है उसकी पनिशमेंट एप टू सेवन ईयर्स और फाइन और बोथ और उसकी वजह से अगर किसी इनोसेंट पर्सन की को अपन कर देते हैं उसको सजा हो जाती है तो उन सारे केसेस में आपकी जो पनिशमेंट होगी वो वही रहेगी जो उस इनोसेंट पर्सन को मिली है कन्विक्शन होने के बाद में ठीक है तो वन ए आपका सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है फिर आपको इसमें जो ध्यान रखना है आगे वाले सेक्शन जो प्री के अंदर पूछे जा सकते हैं बेसिकली उसको मैं आपको यहाँ पर मार्क करा देता हूं एक सेक्शन 211 पूछा जाता है ना फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजरी है ना इसको मेलिसियस प्रोसिक्यूशन के नाम से भी अपन देखते हैं या मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई अपन जो है सामने वाले पर्सन को कोई इंजरी कॉज करने के लिए उसके अगेंस्ट कोई कोई फॉल्स फॉल्स केस इंस्टीट्यूट करते हैं है ना या कोई भी चार्ज उसके अगेंस्ट लगाते हैं ताकि उसके अगेंस्ट इंजरी कॉज हो सके इंजरी अपन ने कहा पर पढ़ा था आप मेरे को बता सकते हैं इंजरी की अपन ने डेफिनेशन कौन से सेक्शन में पढ़ी थी और इंजरी क्या होता है सिर्फ ऐसा इंजरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल इंजरी हो इंजरी आपके बॉडी की हो सकती है माइंड की हो सकती है रेपुटेशन की हो सकती है और फिजिकल इंजरी तो हो ही सकती है तो बेसिकली जो 211 है वो आपके ये बात करता है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर दी रेपुटेशन और इंजर दी बॉडी ऑफ दैट पर्सन इसमें पनिशमेंट कितनी है आपकी दो साल तक की सजा हो सकती है या फिर फाइन या दोनों और अगर ऐसी किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो इंस्टीट्यूट हुई ऑन फॉल्स चार्ज ऑफ उफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ एल या इमेंट जिसकी सात साल से ज्यादा है आपने कोई ऐसा आप बताना चाह रहे हो या एल या आई या साल से ज्यादा तो सजा मिलेगी आ, दो के अंदर वो सात साल तक की हो सकती है या फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है ठीक है यस वेरी गुड प्रिया शर्मा एग्जैक्टली सेक्शन फोर्टी ओके वेरी गुड अब इसमें जो आगे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान रखना है प्री के लिए जो चीज पूछी जा सकती है देखो एमपी का जो पैटर्न रहता है वो जनरली एक तो सेक्शन बेस्ट ज्यादा रहता है तो आपको इंडेक्स को अच्छे से याद करना है इंडेक्स वाइज तो ये सारे सेक्शंस आपको ध्यान में रखना है लेकिन जो जो सेक्शन जो अंदर से इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स अपन को पता होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर सारे साथ साथ में बताता जाऊंगा ठीक है फिर इसमें जो नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है इस चैप्टर के अंदर वो आपके आ जाता है सेक्शन टू ट्वेंटी एट ए डिस्कलोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो विक्टिम है, कौन -कौन है है कौन-कौन से का पर आपके बता रखा कि कि भाई 376 जो अपन देखते हैं कि किसी भी को रेप कमिट होता है, वाला, फिर ए बी वाला जो अपन यहाँ पर देखते हैं जो भी रेप वाले होते हैं या गैंग रेप वाले हो गए है ना थ्री सेवेंटी सिक्स सी थ्री सेवेंटी सिक्स डी ये जो भी नए नए सेक्शन जो रेप से रिलेटेड है बेसिकली अगर कोई भी पर्सन की आइडेंटिटी जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को यहां पर रिवील किया जाता है तो उन सारे केसेस में ऐसे पर्सन के ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है टू इयर्स तक का और उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है तो ये बेसिकली आपको सेक्शन ध्यान में रखना है क्योंकि ऐसे सेक्शंस अपन जूनियर जस्टिस एक्ट में भी देखते हैं वहाँ पर भी ऐसा प्रोविजन दे रखा है सेक्शन 74 के अंदर कि अगर आप किसी बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील करते हो अगर उसने कोई उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस वगैरह हो रखा है है ना या उसने अगर कोई ऑफेंस वगैरह कमिट किया है तो ऐसे सारी सिचुएशंस में अपन को आइडेंटिटी आडिन्टीट, आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी होती है ना फिर अपन पॉक्सो में भी देखते हैं वहाँ पर भी ऐसे कुछ कुछ प्रोविजन दे रखे हैं तो अगर आपको ध्यान है तो आप यहाँ पर मेरे को बता सकते हैं कौन कौन से सेक्शन है है न प्रिया शर्मा कह रहे हैं सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर राजस्थान जुडिशरी ओके वेरी गुड प्रिया बिल्कुल तो ये आईपीसी तो राजस्थान में भी काम ही आएगा ना मेजर लॉ है तो आईपीसी सभी जगह काम आएगा तो अपन को अच्छे से यहाँ पर सेक्शंस को कवर करना है है ना और पनिशमेंट्स को भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से सेक्शंस की पनिशमेंट इम्पोर्टेंट सारे सेक्शन की नहीं होती है बट हाँ कुछ कुछ सेक्शन की इम्पोर्टेंट रहती है ठीक है यहां तक क्लियर है तो इसमें आपको ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है सेक्शन टू ट्वेंटी एट ए के अंदर और 229 ए जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी पर्सन को अपन बेल पे छोड़ते हैं या उसको बोला जाता है कि भाई आपको बेल की कंडीशंस को कंप्लाई करना है और वो पर्सन बेल की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता है ठीक है या फिर वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता है जिस दिन उसको बोला जाता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट इम्पोज की जा सकती है विच में एक्सटेंड टू वन ईयर और फाइन और बोथ अब आपको यहाँ ध्यान इसलिए रखना है मतलब ये सेक्शन को मैं एम्फोसाइज करके इसलिए बता रहा हूँ एक तो अमेंडमेंट के थ्रू एड हुआ था तो आपको इसमें इसका जो ईयर है वो ध्यान रखना है मैं आपको ईयर बता देता हूँ कौन से ईयर में आपका सेक्शन 229 ए ऐड हुआ था तो सेक्शन 229 ए आपके ऐड हुआ था 2005 के अंदर ओके 2005 के अंदर आपका ये सेक्शन ऐड हुआ था ओके फेलियर बाय पर्सन रिलीज ऑन बेल और बॉन्ड टू अपीयर इन कोर्ट वाला ठीक है अब इसमें देखो यहां पर एक पॉइंट तो ये दे रखा है कि भाई ऐसे पर्सन के ऊपर पनिशमेंट हो सकती है एक साल तक या फाइन या दोनों इसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है अगर वो उसको जिस भी कंडीशंस पर रिलीज किया था वो, वो उसका ब्रीज करता है या वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है तो उन सारे केसेस में ये पनिशमेंट हो सकती है और यहाँ पर जो भी पनिशमेंट दी जाएगी वो इन एडिशन टू पनिशमेंट होती है मतलब उसने जो भी ऑफेंस किया है जिसके अंदर उसको बेल पर रिलीज किया है लेट से उसने थेफ्ट किया था उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट लेट से थ्री ईयर्स है और कोर्ट जो है उसको लेट से टू ईयर्स की पनिशमेंट देती है तो यहां पर अगर वो इस सेक्शन का ब्रीज करता है या बेल की कंडीशन का ब्रीज करता है या कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है तो

प्री के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको इसमें एक दो पॉइंट ध्यान रखना है कि जो प्री के अंदर पूछ लिया जाता है कई बार के लंब्स ऑफ अनस्टेम्प्ड कॉपर दो नॉट यूज एज मनी आर नॉट कॉइन तो यहाँ पर कई बार क्या क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि विच ऑफ दर कंसिडर टू बी दिन तो यहाँ पर ऐसे पूछ लेंगे कि क्या कॉरीज कॉइन के अंदर आते हैं या लैम्प ऑफ अनस्टेम्ड कॉपर कॉइन के अंदर आते हैं या मेडल्स जो है क्या वो कॉइन के अंदर आते हैं तो ये सारे बेसिकली आपको इसमें इलेट्रेशन ध्यान रखना है ना कोई फरूखाबाद रुपी है वो बेसिकली आपके इंडियन कॉइन माना जाएगा ठीक है

अलाउ करवाती है या उसको लीगलाइज करवाती है तो वो सारे आपके कॉइन के डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे ठीक है यहां तक क्लियर है तो इसमें बस आपको इलस्ट्रेशन ध्यान रखना है ओके अब इसमें अपन आगे करते हैं इसमें दीज सेक्शन आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एग्जाम अब इसमें आगे अपन करते हैं बेसिकली सेक्शन टू सिक्सटी फोर से है ना सेक्शन फ्रॉडुलेंट यूज़ ऑफ़ फ़ॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग अब इसमें आपको पहले ध्यान रखना है कि चैप्टर है आपका थर्टीन चैप्टर थर्टीन जो है वो बात करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स अब 264 बात करता है फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग यहाँ पर जैसे अपन देखते हैं कि <coughs> जो तराजू होता है ना तराजू में अगर आप कोई भी फ्रॉडुलेंट तरीके से उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ चेंजेस कर देते हो या उसका वेट वगैरह कम कर देते हो जो भी तराजू अपन नापने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं अगर उसके अंदर आप कुछ फ्रॉडुलेंट मीन के थ्रू उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आ जाते हो तो सेक्शन टू आपके लग जाता है ठीक है जो अपन देखते हैं तराजू यूज होता है ना सेक्शन तो टू सिक्सटी फोर को आप यूं याद कर सकते हो कि जो तराजू है उसके अंदर अपन कुछ फ्रॉडुलेंट मीन के थ्रू उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो 264 लग जाएगा पनिशमेंट कितने एक साल तक फाइन या दोनों इम्पोज किया जा सकता है 265 सिक्सटी फाइव में फॉल्स वेट यूज कर रहे हो है ना जो अपन देखते हैं कि दो किलो का जो आता है अपने वेट करने का है ना

ये चीज इंपोर्टेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए है, यहां क्लियर है फिर 266 बात करता है कि अगर कोई पर्सन ऐसे किसी फॉल्स वेट या मेजर की पोजेशन में है तो उसकी पनिशमेंट वन ईयर तक की यहां सबके इन सब के अंदर पनिशमेंट वन ईयर ही है वन ईयर या फाइन या दोनों ठीक है और 267 में क्या है कि मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट और मेजर कोई पर्सन बेसिकली uh, बनाता है या उसको बेचता है या डिस्पोज करता है ऐसे किसी भी मशीन uh, को या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट को ठीक है है जो उसको पता है कि फॉल्स है और वो उसको एज अ ट्रू उसको यूज करना चाह रहा है पब्लिक में उसको एज अ ट्रू तरीके से उसको यूज करना चाह रहा है तो वहां पर उसके ऊपर सेक्शन टू लग जाता है यस yes, प्रिया कुमारी नमस्ते ठीक है यहाँ तक क्लियर है आपको सब कोई डाउट्स जो जो तो मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ आपको उसको अच्छे से याद करना है उसके सेक्शन नंबर आपको याद रखना है और पनिशमेंट भी हो सके तो आपको पब्लिक न्यूसेंस मतलब, वाला तो नहीं है ऑफेंसेस अफेक्टिंग सेफ्टी है ना ये सारे अपन देखते हैं अगर कोई पर्सन न्यूसेंस वगैरह करता है, है ना, को अपन और कहाँ पर पढ़ते हैं क्या टोर्ट के अंदर भी न्यूसेंस के आ, <coughs> न्यूसेंस के थ्रू अपन किसी भी पर्सन से कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं है ना में आपने पढ़ा होगा न्यूसेंस वाला टॉपिक एक तो ये पॉइंट इसमें आ जाता है फिर इसमें अपन देखेंगे कि कोई पर्सन जो है अडल्ट्रेशन वगैरह करता है ड्रग्स की हो गई या फिर कोई ऐसी फूड की ड्रिंक्स की जहाँ पर उसका इंटेंशन है उसको सेल करने का या फिर उससे क्या होगा कि भाई लोगों की हेल्थ खराब होगी है ना तो बेसिकली ये सारे सेक्शन जो है कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट करते हैं और इसलिए ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए

आप जो है उस पर्टिकुलर पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों का राइट right जो है उनका एंजॉय करने का उसके अंदर आपको डिस्टरबेंस कॉज करते हो या कुछ uh, उसमें ऑब्सट्रक्शन कॉज करते हो तो वो बेसिकली आपके पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी के अंदर फॉल हो जाता है ठीक है अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज अगर कोई भी ऐसा कोई आप एक्ट कर रहे हो जहां पर आप बोल रहे हो कि भाई ये तो कॉमनली प्रैक्टिस में यूज होता आ रहा है काफी से, तो वो चीज जो है आपके इस ग्राउंड के ऊपर आप खुद को बचा कर ये नहीं बोल सकते कि ये तो बहुत टाइम से न्यूसेंस हो ही रहा है तो यहाँ पर अगर मैंने भी ये एक्ट या ओमिशन कर लिया तो मेरे ऊपर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए तो ऐसा कोई डिफेंस नहीं ले सकता कोई भी पर्सन ठीक है ये आपके पास टू के अंदर दे रखा है

नेग्लीजेंटली टू सिक्सटी नाइन में नेग्लिजेंटली जो है नेग्लिजेंटली आप एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर डिजीज का इंफेक्शन यहां पर फैल रहा है और विच इज डेंजरस टू दैट Life of that और 270 में क्या मेलिगनेट एक्ट कर रहे ना यहाँ पर कुछ आपका मेलाइस भी है या कुछ हो सकता है बैड इंटेंशन है जहाँ पर आप कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हो या फिर आपके जो डिजीज हो रखी है आप उसको इन्फेक्ट कर रहे हो लोगों में स्प्रेड कर रहे हो लाइफ ऑफ दैट पर्सन तो उसके अंदर आपके ऊपर टू सेवेंटी लग जाता है तो टू में पनिशमेंट कहती है छह महीने तक या फिर फाइन या दोनों लगाया जा सकता है और टू में पनिशमेंट है आपके दो साल तक की फाइन या दोनों दोनों इम्पोज किया जा सकता है ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब 271 जो है बात करता है डिसऑबिडियंस टू क्वारंटाइन रूल कि भाई आप जो है जो भी रूल्स वगैरह बना रखे हैं सरकार ने या कोई भी अथॉरिटी ने कि भाई अगर आप इसका डिसऑबिडियंस करोगे या फिर आप इसके अंदर जो है कुछ डिस्टरबेंस कॉज वगैरह करोगे या आप इन सारे रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो उन सारे केसेस में आपके ऊपर 271 लग सकता है ना जैसे अपने भी जब कोविड हुआ था तो वहाँ पर <coughs> गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पर रेगुलेशंस वगैरह निकाले थे कि आप जो है बाहर नहीं जा सकते या लोगों के साथ आ, नहीं सकते असेंबली क्रिएट नहीं कर सकते तो इससे क्या होता है कि भाई अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो देर आर मोर चांसेस ऑफ दैट वायरस टू बी स्प्रेड इन दब्लिक तो इसलिए आपके बता रखा है जो हमारे कोविड के टाइम में बहुत यूज किया गया था ठीक है तो यहाँ पर टू आपको ध्यान रखना है जिसमें पनिशमेंट है छह महीने तक या फाइन या दोनों इम्पोज किया जा सकता है ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब 272 बात करता है कि आप कोई भी ऐसी फूड या ड्रिंक जो सेल करने के लिए यूजफुल है उसके अंदर आप कुछ एडल्ट्रेशन करते हो या उसकी क्वालिटी को सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के बना देते हो है ना जो बेसिकली एक एक हम जो बेसिक स्टैंडर्ड्स यूज होने चाहिए फूड सेफ्टी के उसके आप अनुरूप या उसके कंप्लाइंस में आप जो है उस फूड या ड्रिंक को नहीं बेचते हो या कंज्यूम करवाते हो तो उन सारे केसेस में 272 लग जाता है ठीक है पनिशमेंट है आपकी छह महीने तक फाइन या फाइन मतलब fine आपके एक हजार रुपए तक या दोनों इंपोज किया जा सकता है यहाँ पर 272 के अंदर और 273 में आप ऐसे किसी भी फूड या ड्रिंक को बेच देते हो है ना और जब ऐसे किसी चीज को बेच देते हो जो अडल्ट्रस्ट नेचर की है या नॉक्शियस है तो वो आपके पनिशमेंट है छह महीने तक फाइन या फाइन का ₹1000 या दोनों इंपोज किया जा सकता है फिर 274 में कोई ड्रग्स का आप अडल्ट्रेशन करते हो ड्रग्स मतलब कोई भी मेडिसिन वगैरह है उसके अंदर आपने लेट से केमिकल वगैरह चेंज कर लिया या उसका जो कंपोजिशन होता है जिस कंपोजिशन के हिसाब से वो मेडिसिन को बन, बनाया जाना चाहिए उसके अंदर आप कुछ चेंजेस वगैरह लेके आ जाते हो तो वो आपके 274 लग जाता है फिर उसके हिसाब से फिर 275 में आप उस अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को बेच देते हो उसका सेल कर देते हो ठीक है तो उसमें सजा कितनी हो सकती है आपकी वही छह महीने तक फाइन एक हजार तक या दोनों इम्पोज किया जा सकता है फिर 276 में सेल ऑफ ड्रग एज अ डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन, आप जो है पैरासीटामोल को ब, 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 बता रहे हो कि पैरासीटामोल है लेकिन एक्चुअली में कोई और मेडिसिन है तो आप वहां पर ट से अपन अपन उसको सेल कर रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली उस कंपोजिशन की है नहीं या वो कोई डिफरेंट ड्रग है बेसिकली तो उन सारे केसेस में 276 आपके ऊपर लग सकता है ठीक है मतलब आपके ऊपर ऐसा यूं मत समझना कि आपके ऊपर लगेगा डोंट टेक इन दैट वे है ना मतलब जो भी पर्सन ऐसे कोई ऑफेंसेस वगैरह करेंगे उनके ऊपर ये वाले ऑफेंस या ये वाले आपके चार्जेस लग सकते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है फिर टू सेवेंटी सेवन के अंदर जो है आप जो अपने घर में पानी आता है या जो अपन पब्लिक के अंदर पानी वगैरह यूज करते हैं है ना उसके अंदर आप कुछ लेट से कुछ केमिकल्स वगैरह डाल देते हो या पानी की क्वालिटी को गंदा कर देते हो तो फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्व तो उसके अंदर पनिशमेंट हो सकती है थ्री मंथ्स या फाइन फाइव हंड्रेड रुपीज तक या दोनों है ना अच्छा आप मेरे को ये बता सकते हैं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर पनिशमेंट जो है बहुत कम है है ना पनिशमेंट कम है ना इसकी तो पनिशमेंट्स कम है तो अब क्या कर सकते हैं मतलब जो नया वाला आईपीसी आया है उसका नाम क्या है नया वाला आईपीसी का अभी आया नहीं है, वैसे जो है, उसका क्या नाम है और उसमें ऐसे कुछ है क्या चेंजेस पनिशमेंट वाले यार आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट में ठीक है तो यहाँ तक देखो ये टू सेवेंटी सेवन हो गया टू सेवेंटी एट में जो है मेकिंग एटमोसफेयर नॉक्शियस टू हेल्थ आप जो है ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे एटमोसफेयर जो है या एन्वायरमेंट जो है अपना वो हेल्थ के अकॉर्डिंगली नहीं है या आपकी हेल्थ के कंप्लायस uh, में आप ऐसा कुछ एटमोसफेयर में नॉक्शियस पोल्यूशन ज्यादा कर रहे हैं या कोई भी पर्टिकुलर ऐसी कंपनी वगैरह होती है ना अलग अलग टाइप पर सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग अथॉरिटीज हमारे बन रखी है जो ऐसी कंपनीज को रेगुलेट करते हैं कि भाई आपके इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से सोसाइटी के अंदर जो है क्वालिटी वो बढ़ रहा है मतलब सॉरी एयर क्वालिटी का एयर की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है जो बेसिकली होनी चाहिए पैरामीटर्स के हिसाब से यस एग्जैक्टली भारतीय न्याय संहिता वेरी गुड ठीक है तो टू सेवेंटी एट आपको इस पॉइंट में ध्यान रखना है <laughs> ठीक है अब इसमें पनिशमेंट है आपकी फाइव हंड्रेड रुपीज़ तक की है ना फाइव हंड्रेड रुपीज़ तक की यहाँ पर पनिशमेंट है अच्छा भारतीय न्याय संहिता है बिल्कुल वेरी गुड है ना तो अच्छा ये भारतीय न्याय संहिता जो है हमारा इसमें आ, आपको क्या लगता है कब तक ये प्रपोज है कब तक आ सकता है क्या इस वेंटल सेशन में अपने पास हो सकता है या, आ, या फिर पार्लियामेंट्री कमिटी ने जो इसके अंदर रिकमेंडेशन दिए हैं या उनको भी फॉलो किया जाएगा आपके हिसाब से क्या आपका क्या ओपिनियन है इस पॉइंट के अंदर आप शेयर कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर है फिर 279 बात करता है रेस्ट ड्राइविंग और राइडिंग ऑन ए पब्लिक वे आप जो है रास्ते में बहुत रेशली या नेग्लिजेंटली कोई गाड़ी को चला रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को एंडेंजर हो सकता है है ना तो जब आप ऐसा कोई पर्सन ऐसा कोई एक्ट करता है जिसकी वजह से कोई हर्ट या एंजरी कॉज हो सकती है देखो यहाँ पर एक्चुअली अभी तो कुछ ऑफेंस हुआ नहीं है आप सिर्फ रेसली या नेग्लीजेंटली ड्राइव कर रहे हो है ना किसी पब्लिक वे के अंदर तो यहाँ पर कोई एक्चुअल अभी तक हर्ट या एंजरी हुई नहीं है ये उससे पहले का सेक्शन है, है ना फिर अपन जो इसमें आगे देखेंगे थ्री थर्टी सेवन थ्री थर्टी एट वाले वहां पर एक्चुअली में कुछ ऐसा आपके हर्ट कॉज होती है ग्रीवियस हर्ट कॉज होती है वहां पर थ्री थर्टी थ्री थर्टी सेवेंटी में अभी तक कोई इंजरी या हर्ट कॉज नहीं होता है सिर्फ रैशली या नेग्लिजेंटली जब अपन ड्राइव करते हैं किसी पब्लिक वे के अंदर तो वहां पर पनिशमेंट हो सकती है छह महीने तक फाइन आपके एक हजार रुपए तक या दोनों इंपोज किया जा सकता है ठीक है यहां तक क्लियर है आप सबको एनी डाउट <laughs> अच्छा यहाँ पर कोई भी पर्सन या नेग्लिजेंटली ड्राइव करता है और किसी पर्सन की लैर से डेथ हो जाती है तो उसमें कौन सा उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है कौन सा सेक्शन है वो सर अभी न्यू एक्ट थोड़ी पढ़ना है अभी एक्ट नहीं बना यस एग्जैक्टली अभी एक्ट बना नहीं है मैं तो बता रहा हूँ मतलब आ ही जाएगा इन द नियर फ्यूचर एक्ट तो आएगा ही अभी तो हमको यही पढ़ना है अभी तो यही पढ़ना है क्योंकि यही अभी आज की डेट में यही फोर्स में है ठीक है बट वो आ गया तब वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा है ना क्योंकि फिर तो वो फॉलो होगा तो हमको सारे सेक्शंस वगैरह जो भी अभी तक हमने याद किए हैं सा, सारे सेक्शंस वो सबको सब चेंज सब होगा और फिर हमको सारे नए सेक्शंस याद करने पड़ेंगे वहां पर ठीक है क्लियर यहाँ तक अब इसमें देखो 280 और ये सब सेक्शंस में आपको बस हेडिंग याद रखनी है टू एट्टी में बात करता है रेस्ट नेविगेशन ऑफ वैसल, जो वैसल्स वगैरह चलती है अगर उसमें आप कुछ रेस्ट नेविगेशन करते हो या कुछ लेट से सामने वाले पर्सन को कुछ इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ये रैशली आप जो है ऐसा कुछ एक्ट करते हो जिससे ह्यूमन लाइफ जो है एंडेंजर हो जाती है तो उन सारे केसेस में टू लग जाता है तो ये सारे सेक्शन आप एक बार बस इसकी हेडिंग देख लेना जो प्री में इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है जो नेक्स्ट सेक्शन है हाँ एक ये भी पूछा जाता है टू एटी नाइन की अगर मान लो कोई पर्सन जो है उसके पास में कोई पालतू लट से कुत्ता वगैरह है और उन्होंने कोई एनिमल वगैरह पाल रखा है है ना और अगर आ, वो पालतू डॉग किसी पर्सन को बाइट कर लेता है उस, किसी को उसमें चोट हो जाती है हर्ट कॉज हो जाता है तो क्या उन केसेस में अपन उस डॉग के ओनर के अगेंस्ट आ, सूट फाइल कर सकते हैं केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं तो वो बात करता है आपका टू तो अगर कोई भी पर्सन नेग्लिजेंटली ओमिट करता है ऐसा कुछ जिसकी वजह से जो उसके एनिमल है उसके पास में पोजेशन में है, जिसकी वजह से किसी सामने वाले पर्सन को ह्यूमन लाइफ में एंडेंजर हो हो जाता है है या उसको हर्ट कॉज जाती है ऐसे किसी एनिमल से तो उसके ऊपर पनिशमेंट किया जा सकता है छह महीने तक फाइन लगाया जा सकता है एक हजार रुपए तक या दोनों ठीक है यस एग्जैक्टली वेरी गुड प्रिया शर्मा थ्री जीरो फोर ए ठीक है वहां पर डेथ हो जाती है डेथ कॉज हो जाती है ड्यू टू तो सच रेस्ट और नेग्लिजेंट एक्ट ठीक है

291 में बोल रखा है कि भाई अपन देखते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है न्यूसेंस वगैरह कर रहा है तो जिस भी पर्सन के अगेंस्ट में न्यूसेंस हो रहा है वो कोर्ट में जाकर इंजनक्शन ऑब्टेन कर सकता है कोर्ट में जाकर के भाई आप जो है इस पर्सन को बोलो कि इस ये जो एक्ट कर रहा है ओमिशन कर रहा है इसकी वजह से मेरे को कुछ डिस्टरबेंस पास हो रहा है तो आप मेरे फेवर में इंजनक्शन ग्रांट करो और इस पर्सन को रोको के रेस्ट्रेन करो के ये कंटिन्यू नहीं कर रहे है उस पर्टिकुलर एक्ट को तो 291 ये बोलता है कि अगर वो पर्सन फिर भी कंटिन्यू करता है न्यू सेंस इवन आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू दैट वेरी एक्ट तो उन सारे केसेस में 291 के हिसाब से उसके ऊपर पनिशमेंट इंकोज की जा सकती है छह महीने तक की फाइन या दोनों ठीक है टू नाइनटी तक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर 292, 293, 294 स्पेसिफिकली ऑप्शनिटी वाले सेक्शंस है जो अपन देखते हैं जब अपन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट देखते हैं वहां पर भी आपके

आपके decency and morality वाला तो तो उसके अंदर हमारा भी included होता है तो स्टेट अगर चाहे कि भाई freedom of speech and expression के ऊपर अगर reasonable restrictions लगाने हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है by the state, by making a law, है ना तो ये अपन देखते हैं आपके आर्टिकल नाइनटीन क्लास टू के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन दे रखा है तो बेसिकली जो सेक्शन टू नाइनटी टू थ्री और फोर है Just a second. है? तो 292 बात करता है, कोई भी तो पर्सन सेल करता है या फिर उसको हायर के लिए किसी और को दे देता है इसमें अपन पॉइंट्स देख लेते हैं अच्छा तब तक आप मेरे को बता सकते हैं कि इसके अंदर इंडिया के अंदर कौन सा इसमें बेसिकली लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर ऑनरेबल सु डेवलप किया था कम्युनिटी के किया और का क्या होता है? कि भाई कैसे अपन डिसाइड करेंगे कि एक पर्टिकुलर चीज ऑप्शी है या नहीं है उसका क्या पैरामीटर है उस टेस्ट को क्या बोला जाता है और वो कौन से केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को इवॉल्व किया था आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है तो देखो टू टू जो है यहाँ पर क्या है कि कोई भी पर्सन कोई ऐसे बुक हो गई पैम्पलेट हो गए है, है ना पेंटिंग रिप्रेजेंटेशन कोई भी फिगर या एनी अदर ऑब्जेक्ट जो बेसिकली ऑप्शीन है या किसी भी ऐसे पीरूडेंट uh, इंटरेस्ट है या किसी भी ऐसे पर्सन के माइंड को डिप्रेव कर सकता है जब भी वो ऐसी किसी चीज को देखेगा तो वो बेसिकली आपके ऑप्शन की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है उसमें क्या क्या एक्ट होते हैं भाई वो बेच रहा है या फिर वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहा है ऐसे किसी ऑप्शन ऑब्जेक्ट को ठीक है या फिर वो ऐसे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई प्रोफिट्स कमा रहा है, है ना ऐसे कोई बिजनेस कर कर या फिर वो एडवर्टाइज कर रहा है या फिर वो ऑफर कर रहा है अटेम्प्ट कर रहा है कि भाई ऐसे किसी एक्ट से आपके कोई ऑफेंस कमिट हो सके तो इसमें पनिशमेंट आपको ध्यान रखनी है 292 के अंदर वो आपके पूछी जा सकती है प्री के अंदर तो फर्स्ट कन्विक्शन पर है पर कितनी है अप टू इयर्स है ना फर्स्ट कन्विक्शन पर है अप टू इयर्स अप टू टू इयर्स, एंड फाइन है ना First conviction पे एंड है और सेकेंड कन्विक्शन है ठीक है second conviction पे है अपने एंड है। तो ये पनिशमेंट पूछ सकते हैं अपने से है तो ना फ्री के अंदर तो ये पनिशमेंट आप यहाँ ध्यान रखना 292 की पनिशमेंट ठीक है फिर इसमें जो एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर ऐसी कोई बुक है आपकी राइटिंग वगैरह है अगर वो यूज हो रही है आपके किसी भी फॉर द दर्पजेज ऑफ साइंस लिटरेचर आर्ट या किसी और लर्निंग अदर ऑब्जेक्ट के लिए तो वो आपके ऑप्शन बेसिकली नहीं मानी जाएगी ठीक है यस वेरी गुड प्रिया शर्मा वेरी गुड अविक सरकार वाला केस अच्छा उसके अंदर कौन सी डॉक्टर इवॉल्व हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा टेस्ट बताया था कि इस टेस्ट के हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज जो है वो आपके ऑप्शन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी है ना उस टेस्ट का क्या नाम है आप वो भी बताएं फिर ठीक है या तो ऐसी कुछ बेसिकली बुक राइटिंग आपके यूज हो रही है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ साइंस लिटरेचर ये इस पॉइंट के लिए या फिर उसको अपने यूज किया है बोन फॉर रिलीजियस पर्पजेस तो वहां पर भी आपकी वो चीज ऑप्शन के अंदर नहीं आएगी या फिर ऐसा कोई ने रिप्रेजेंटेशन किसी चीज के ऊपर घटा है या पेंट किया है जो आपके कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट के अंदर फॉल होता है जैसे अपन देखते हैं एंशियट मॉन्यूमेंट हमारे बने हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में सॉरी अलग अलग सिटीज में इंडिया के अंदर तो वहां पर भी जब ऐसा कुछ अपन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो सब भी आपके ऑप्शिंग की कैटेगरी के अंदर नहीं आता क्योंकि वो एंशियन मॉन्यूमेंट माना जाता है विद इन दी मीनिंग ऑफ दिस एक्ट ठीक है या फिर कोई टेम्पल जो है या किसी कार को अपन बेसिकली यूज कर रहे हैं फॉर देंस परस है ना कोई आइडल वगैरह है उसके ऊपर तो बेसिकली रिलीजियस पर्पजेस के लिए अगर ऐसी कोई चीज यूज होती है तो आपके ऑप्शिंग की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगी ठीक है 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 तो जब अपन एक देखते हैं वहाँ पर पर और आता है कि अगर कोई भी चीज जो है एक्ट के अंदर वहाँ पर सर्टिफाई हो रखी उस, उस चीज को सर्टिफाई कर रखा है आपके द्वारा अगर उस चीज को कर रखा है तो वो भी आपके एक्सेप्शन के अंदर फॉल होती है लेकिन वो ऐसा पॉइंट यहाँ पर नहीं दिया हुआ वो आपके एक्सेप्शन जो है वो इंडिशेंट रिप्रेजेंटेशन वाले एक्ट में दे रखा है ठीक है यहां तक क्लियर है फिर इसमें आ जाता है टू नाइन्टी थ्री अब टू नाइन्टी थ्री भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को बेच रहे हो किसी यंग बच्चे को यहाँ पर एज आपको ध्यान रखनी है एज कितनी है अंडर द एज ऑफ ट्वेंटी ईयर्स अगर ऐसी कोई चीज अपन कोई पर्सन बेचता है जिसकी एज ट्वेंटी ईयर से कम है तो उन सारे केसेस में उसके ऊपर आपकी पनिशमेंट इम्पोज की जा सकती है फर्स्ट कन्विक्शन पर तो है अप टू थ्री ईयर्स एंड टू थाउजेंड का फाइन और अप टू सेकंड कन्विक्शन पर है अप टू सेवन ईयर्स एंड फाइन ऑफ फाइव थाउजेंड ठीक है तो यहां पर एज ध्यान रखनी है आपको अंडर ठीक है फिर अपन आगे करते हैं एक्ट या सॉन्ग्स है ना अगर कोई भी person, say, कोई भी पर्सन से पब्लिक में गाली गलौज करता है या वर्गर लैंग्वेजेस को यूज करते हैं तो उन सारे केसेस में उस पर्सन के ऊपर 294 का ऑफेंस लगाया जा सकता है चार्ज लगाया जा सकता है, है ना या कोई पब्लिक प्लेस में कोई ऐसा गाना गाना या कोई ऐसी लैंग्वेजेस uh, को यूज करना है विच इज नॉट टू नाइनटी फोर आपको इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है पनिशमेंट भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है इम्पोज की जा सकती है तीन महीने तक की ठीक है यहाँ तक क्लियर है एनी डाउट अब यहाँ पर नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है हमारा 295 से अगेंस्ट रिलीजन वाला है ना चैप्टर फिफ्टीन है आपका तो इसमें सेक्शन टू नाइनटी फाइव में देखो क्या है कि अगर कोई भी पर्सन डिस्ट्रॉय करता है या डैमेज करता है किसी भी वर्शिप वाली प्लेस को है ना जहाँ पर लोग जो है वर्शिप करने के लिए आते हैं आप उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हो या उस जगह को डिफाइल करते हो विद द इंटेंशन कि भाई उस पर्टिकुलर क्लास के लोगों का वहां पर रिलीजन इंसल्ट होगी या उनके आ, इन, 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 बेसिकली रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होगी तो उन सारे केसेस में उस पर्सन के ऊपर टू का ऑफेंस लग सकता है ठीक है ओके क्लियर तो देखो जो टेस्ट है अब एक सरकार में बता रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लें कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट बताया था कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट बताया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट है ना इन द केस ऑफ अवीक सरकार ठीक है जो आज की डेट में इंडिया में फॉलो होता है पहले तो बेसिकली जो रंजीत उडेशी वाला केस था वहाँ पर हिकलिन टेस्ट भी आपने सुना होगा टर्म वहाँ पर वो यूज होता था लेकिन अब 2014 में जजमेंट आया था अब कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट अपन फॉलो करते हैं और अगर कोई भी पर्सन जो बेसिकली सेंसिटिव है इन सारी चीज़ों को देख कर, अगर उसका माइंड करप्ट हो जाता है तो अपन उस पर्सन के हिसाब से ऑपरचुनिटी को ऑपरचुनिटी का टेस्ट डिटरमाइन नहीं करेंगे अपन पूरी कम्युनिटी एज अ होल का बेसिकली uh, ओपिनियन देखेंगे या अगर उनके अगर पूरी कम्युनिटी को भी वो पर्टिकुलर चीज ऑप्शन लग रही है तो फिर अपन उसको अकॉर्डिंगली ऑप्शन मानेंगे अदरवाइज वो ऑप्शन की कैटेगरी के, के अंदर नहीं आएगा ठीक है ये चीज आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी इस केस के अंदर ओके ये हो गया हमारे 295, फिर 295 ये बता रखा है कि कोई भी एक्ट किया जाता है या मेलिशियस एक्ट किया जाता है जिसकी वजह से किसी भी लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती है है ना कोई भी आपके इस वर्ड्स के थ्रू या राइटिंग के थ्रू या कोई साइंस के थ्रू जब आ, आ, कोई पर्सन डेलीबरेटली और maliciously कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे सामने वाले पर्सन की रिलीजियस फीलिंग्स इंसल्ट होती है तो आपके टू ए के अंदर आ जाता है ठीक है तो टू में क्या था ये एक्चुअल को डिस्ट्रॉय या डैमेज हो रहा है उस पर्टिकुलर वर्शिप वाली प्लेस के ऊपर 295 में ऐसा कुछ नहीं है अब पनिशमेंट इसको आपको ध्यान रखनी है थ्री इयर्स फाइन और बोथ और 295 ए जो है आपके ऐड हुआ था ईयर 1927 तो ये चीज भी पूछ सकते हैं कि भाई क्योंकि अमेंडमेंट वाला चीज है तो अमेंडमेंट वाले चेंजेस केसेस में ईयर पूछ लिया जाता है आ, जस्ट अ सेकंड अमेंडमेंट वाले केसेस में ईयर जो है पूछ लिया जाता है तो ये आपके ऐड हुआ था 295 ए 1927 के अंदर है ना 1927 के अंदर ये आपके ऐड हुआ था ठीक है टू नाइनटी सिक्स बेसिकली बात करता है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली कोई भी असेंबली है जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं कोई भी बेसिकली रिलीजियस अपनी प्रेयर्स को या रिलीजियस ऑफरिंग्स को पूरा करने के लिए उसके अंदर आपको कोई डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं तो वहाँ पर एक साल तक की सजा या फाइन या दोनों इम्पोज किया जा सकता है टू नाइनटी सेवन में ट्रेस पासिंग ऑन एल प्लेसेस कोई लेट्स से कोई शमशान वगैरह है या फिर वहाँ पर लोग जो है कुछ फ्यूनरल प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई पर्सन जाकर कर डिस्टर्बेंस कॉज कर देता है या कोई भी डेड बॉडी को कुछ उसकी

अब यहां से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली चैप्टर स्टार्ट हो जाता है चैप्टर चैप्टर और और जो अपन देखते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट अगेंस्ट द वाला प्रॉपर्टी uh, वाला जो अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो इसके अंदर ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर तो चाहे वो प्री के लिए हो या चाहे फिर वो मेंस के लिए हो ठीक है तो इन सारे सेक्शंस को अपन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इसमें सारे सेक्शंस अपन देखेंगे अब देखो फर्स्ट क्या है कल्पेबल होमिसाइड और सेक्शन थ्री होता है मर्डर ठीक है सर पूरी आईपीसी इजी है पर सेक्शन टू नाइनटी नाइन और थ्री हंड्रेड से डर लगता है अच्छा ऐसा डर क्यों लगता है ये भी इजी है इसमें क्या है इसमें बस डिग्री का फर्क आ जाता है अगर कोई भी पर्सन है लेट से किसी पर्सन की डेथ कॉज की है ठीक है और अगर यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है ये देखो कि वो उसने जो भी एक्ट किया है यहाँ पर दोनों केसेस में डेथ कमिट हो रही है डेथ हो रही है सामने वाले पर्सन की अब अपन को ये डिसाइड करना है कि भाई ये चीज कल्पेबल पे होमिसाइड में आएगी या मर्डर में आएगी ये अपन को चीज डिसाइड करनी होती है अब इसको डिसाइड करने के लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले ये देख लो कि उसने जो भी एक्ट किया है वो अगर किसी भी एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहा है तो तो वहां पर उस पर्सन के ऊपर लग जाएगा साइड है कल्पेबलिसक्शन थ्री हंड्रेड में अपन आगे देखेंगे पांच एक्सेप्शन दे रखें अगर वो एक्ट किसी भी एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर रहा है तो वहां पर उसके ऊपर कल्पेबल साइड लग जाएगा है ना तीन सौ की पनिशमेंट लग जाएगी लेकिन अगर उसने जो भी एक्ट कमिट किया है वो एक्सेप्शन के अंदर नहीं आ रहा है तो फिर वहां पर वो मर्डर ही माना जाएगा है ना सबसे अच्छा है इसको याद करने का तरीका यही है अगर उसने एक्ट किया है वो एक्सेप्शन के अंदर फॉल हो रहा है तो तो वो कल्पेबल कल्पेबल लो, होमसाइड कल्पे हो जाएगा अदरवाइज बाकी सारे जो भी एक्ट है वो सब मर्डर की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे 302 के अंदर ठीक है सबसे अच्छा तरीका इसको समझने का यही होता है ठीक है क्लियर प्रिया शर्मा इसको अपन अभी अच्छे सारे सेक्शंस देखेंगे <laughs> ओके okay, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि कल्पेबल होमिसाइड में, में कि यहां पर इंटेंशन होता है इंटेंशन टू कॉज द द डेथ ऑफ अदर पर्सन है ना फर्स्ट क्या है इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ द अदर पर्सन या फिर इंटेंशन टू कॉज ऐसी एक तो डिफरेंस आ जाता है डिग्री का कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बता रखा है कि डेथ हो सकती है उसने जो एक्ट कमिट किया है लेकिन जब अपन मर्डर पढ़ते हैं वहां पर लिखा है सफिशेंट नॉलेज है या फिर उसने जो एक्ट किया है वो सफिशियंट है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस टू कॉज दी अदर तो इंटेंशन टू कॉज डेथ पर, intention to cause death, पर भी लिखा हुआ है मर्डर में भी लिखा हुआ है तो फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिग्री है ना एक कोई पर्सन जो है लकड़ी से मारता है किसी को सर के ऊपर लकड़ी से मारता है उसमें चांसेस है कि भाई डेथ हो सकती है और अगर कोई पर्सन आयरन ब्रॉड से मारता है किसी के सर के ऊपर तो वहां पर ज्यादा बेसिकली प्रोबेबिलिटी है उसकी डिग्री ज्यादा है death cause होने की तो पर ये difference आ जाता है है ना मर तो इंसान दोनों जगह जगह तो दोनों कॉज हो रही है उके? तो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू दिथ नॉलेज दैट बाय डूइंग सच एक्ट उसकी डेथ कॉज हो सकती है सामने वाले पर्सन की तो वो आपके कल्पेबल होमिसाइड के अंदर फॉल करेगा अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन वन और एक्सप्लेनेशन टू दो जो दे रखा है वो मर्डर की बेसिकली कैटेगरी के अंदर फॉल होता है क्यों फॉल होता है कि भाई अगर आपको पता है कि सामने वाले पर्सन को कोई डिजीज हो रखी है या फिर आपको पता है कि सामने वाला पर्सन जो है कोई उसको बॉडीली इन्फर्मिटी uh, है या लेट से वो पर्सन वीक है है ना लेट से आप uh, कोई ए, एक ए पर्सन है वो जो है uh, एक आयरन रॉड लेकर बी पर्सन के पेट पर पे मारता है

302 वाली लग जाती है क्यों क्योंकि वहां पर आपको एक बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन है या नॉलेज है तब अगर वो एक्ट आपके इसके अंदर फॉल होता है तो वो मर्डर की कैटेगरी के अंदर फॉल मतलब मर्डर की कैटेगरी के अंदर आ जाता है ठीक है यहाँ तक क्लियर है अब एक्सप्लेनेशन टू में क्या है कि भाई डेथ कॉज हुई है ऐसी किसी बॉडीली इंजरी से जहां पर आप उस जिस भी पर्सन ने बॉडी इंजरी कॉज की है वहां पर ये आप डिफेंस ले रहे हो कि भाई अगर वो प्रॉपर रेमेडीज को अप्रोच करता या फिर वो हॉस्पिटल में चला जाता टाइम के ऊपर तो यहाँ पर वो मर्डर नहीं होता या वो कल्पेबल पेवल होमिसाइड ही नहीं होता तो ऐसा कोई भी डिफेंस नहीं लिया जा सकता बाई दी अक्यूज पर्सन ठीक है ये आपकी बात करता है एक्सप्लेनेशन टू और एक्सप्लेनेशन थ्री ये बात करता है कि अगर किसी भी बच्चे की डेथ कॉज की जाती है तो वो आपके होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं आता है है ना क्योंकि उसको अपन ह्यूमन बीइंग नहीं मानते हैं है ना क्योंकि उसने बर्ड्स नहीं लिया तो इसलिए वो होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर भी नहीं आता है होमिसाइड क्या होता है किलिंग ऑफ ए ह्यूमन पर्सन है ना तो बेसिकली वो इसलिए आपके होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है ठीक है कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है लेकिन अगर उसका कोई पार्ट जो है वो बाहर आ जाता है उसके बाद में अगर कोई ऐसा एक्ट किया जाता है तो वो फिर आपके कल्बेड के अंदर फॉल हो जाता है ठीक है यहां तक क्लियर है <coughs> फिर सेक्शन थ्री हंड्रेड मर्डर की बात करता है अब मर्डर में देखो वही सारे पॉइंट है फर्स्ट तो यही बता रखा है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ यहां पर डिग्री ज्यादा होती है है ना उस पर्टिकुलर एक्ट को जिस पैरामीटर से या जिस इंटेंशन या फोर्स से किया गया है वो कई ज्यादा होता है जब अपन कल्पेबल होमिसाइड वाला पॉइंट सच इंजरी, पर पता है, नोज बी परसन, पर उसको स्पेशल नॉलेज है कि भाई वो जो भी बॉडी इंजरी कमिट कर रहा है कॉज कर रहा है उससे सामने वाले पर्सन की डेथ कमिट हो जाएगी डेथ कॉज हो जाएगी तो उन सारे केसेस में वो आपके मर्डर की कैटेगरी में आ जाता है थर्ड में क्या दे रखा है कि जो बॉडी इंजरी कमिट हुई है या कॉज की है वो सफिशिएंट है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ भाई ऑर्डिनरी जो भी कोर्स होता है उसमें उस पर्सन ने उसके ऊपर ऐसी बॉडी इंजरी कॉज की है कमिट की है जिस जिससे उसकी डेथ होना निश्चित है या सर्टेन है तो उन सारे केसेज में आपको मर्डर की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा ठीक है और फोर्थ क्लॉज में क्या बता रखा है कि यहाँ पर वो एक्ट इतना इमीडिएटली डेंजरस है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट विल डेथ या फिर ऐसी बॉडी प्रोबेबिलिटी के अंदर पर उस परसन की को कर देगी तो ये आपके स्पेशल नॉलेज वाला पॉइंट आ जाता है जो क्लॉज फोर आपके स्पेशल नॉलेज वाला पॉइंट को डिस्कस करता है ठीक है <coughs> तो यहां तक था हमारा तीन सौ थ्री हंड्रेड वाला <coughs> कोई डाउट यहां तक किसी को? Any doubts? अब अब इसके अपन करते हैं। अब exceptions क्या है भाई? प्रोवोकेशन वाला है ना सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन वाला इसका आपके पहला एक्सेप्शन आ जाता है कि अगर कोई पर्सन सडनली या किसी की उसको कर कर अगर वो किसी पर्सन की डेथ कॉज कर देता है तो वो सारे केसेस में

कि जो प्रोवोकेशन है इट इज बेसिकली लेट से कोई पर्सन जो है uh, कोई पुलिस ऑफिसर है है वो किसी पर्सन को अरेस्ट करने आ, रहा है। और वहां पर आपने उस पर्सन की लेट से डेथ कॉज कर दी तो आप ये नहीं बोल सकते कि uh, uh, जो आपने एक्ट कॉज uh, किया है सामने वाले पर्सन के ऊपर है जो भी आपके पब्लिक अथॉरिटी है उसके ऊपर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है वो आपके उसमें प्राइवेट डिफेंस में फॉल नहीं करता है है ना जब अपन सेक्शन 99 नाइन में पढ़ा था तो अगर कोई पर्सन उन सारे पॉइंट्स को एक्सीड कर देता है तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाता है है ना सेक्शन 93 के uh, 99 के अंदर अपन ने तीन एक्सेप्शन किए थे है ना अगर आपके पास सफिशियंट टाइम है पब्लिक अथॉरिटीज को रिकॉर्ड करने का लेकिन आप नहीं करते हैं फिर अगर कोई पर्सन जिसका उसका लॉफुल राइट right है या कोई पब्लिक सर्वेंट जो अपने ऑफिस के तहत अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए अगर किसी पर्सन को ऐसा कोई एक्ट करता है तो वहां पर प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है है ना ये सारे पॉइंट्स अपन ने सेक्शन 99 के अंदर देखे थे या फिर रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है कि भाई आपके ऊपर हार्म कॉज हो सकता है तो अगर इन तीन सर्कमस्टांसेस को एक्सीड कर कर अगर कोई पर्सन एक्ट करता है तो फिर वहां पर वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाता है है ना ये इसका थर्ड पॉइंट दे रखा है ठीक है फिर जो इसका एक्सेप्शन टू क्या है वही जो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो अपनी पावर को एक्सीड कर देता है जो उसको लॉ द्वारा दी गई है है ना सेक्शन नाइन्टी नाइन को यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं कोई भी पर्सन जो जो सेक्शन नाइनटी नाइन के सब्जेक्ट के तहत या रेस्ट्रिक्शंस के तहत अगर प्राइवेट डिफेंस यूज करता है तो उसके ऊपर पनिशमेंट अपन इम्पोज नहीं कर सकते लेकिन अगर वो नाइनटी नाइन के बेसिकली क्लॉजेस को एक्सीड कर कर अपने राइट को एक्सरसाइज करता है तो वो राइट उसका लॉफुल राइट नहीं माना जाएगा और अगर ऐसे केसेज में अगर डेथ कॉज हो जाती है तो फिर उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लग जाता है ठीक है 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 तक ये आपका फिर में वही पर कर अगर वो अपने पावर्स को कर लेता है जो भी उसको गिवन है है जो भी भी हो उसको ना भले वो वो में में तो भी उन सारे कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आ जाएगा नॉट इन दैटेगरी ऑफ मर्डर ओके एक्सेप्शन फोर जो है वो बेसिकली बात करता है आपके कि अगर कोई भी पर्सन लेट से कोई आ,

नहीं आएगा अ सडन को एंडेज एडवांटेज नहीं लिया है और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन किस इंसान ने पहले असोल्ट को क्रिएट किया है किस कौन से ने पहले assault किया, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है <laughs> फिर एक्सेप्शन फाइव क्या बात करता है कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर वेन दी पर्सन डेथ इज कॉस्ड बींगस सफर्स डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ इज विथ हिस ओन कंसेंट अगर कोई भी पर्सन जो है जिसकी एज 18 साल से ऊपर की है वो कंसेंट दे देता है कि भाई आप डेथ कॉज कर लो तो उन सारे केसेस में उस पर्सन के ऊपर जो उसकी डेथ कॉज कर रहा है उसके ऊपर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा कल्पेबल होमसाइड का लग जाएगा ठीक है ये आपका एक्सेप्शन 5 बात करता है फिर 301 जो है इसको अपन बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस है ना ये आपने इसको टर्म सुना होगा तो इसको आप ऐसे भी याद रखना सेक्शन तीन सौ एक को क्या बोलते हैं ये चीज फ्री में पूछ ली जाती है कि सेक्शन तीन सौ एक को क्या बोला जाता है तो डॉक्ट्रीन ऑफ ट्रांसफर्ड मेलाइस

अब उसने पूरा अटेम्प्ट कर लिया लेकिन वहां पर बी की तो डेथ नहीं हुई सी की डेथ हो गई तो उन सारे केसेस में 301 के हिसाब से उसके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लग जाएगा इसका यह मतलब है कि अगर किसी एक पर्सन का इंटेंशन था कि वो उसकी कल्पेबल होमिसाइड कर रहा है या वो कल्पेबल होमिसाइड के अंदर आएगा और उस पर्सन की डेथ नहीं होती है, और किसी परसंग, दूसरे पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर भी वो भी बेसिकली ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड का ही माना जाएगा लेकिन अगर उसका इंटेंशन था टू कॉज द द डेथ ऑफ अदर पर्सन और वो मर्डर की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है और उस पर्सन की तो डेथ नहीं हुई और किसी और की डेथ हो गई तो वो फिर उस पर्सन के ऊपर जिसने डेथ कॉज की है वो मर्डर की कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा तो ऐसा अपन फिक्स करके नहीं बता सकते कि 301 में कल्पेबल होमिसाइड लगेगा या मर्डर लगेगा वो जो भी एक्ट कर रहा था जिस भी इंटेंशन से कर रहा था अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती और वो चीज कल्पेबल होमिसाइड में आती तो कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा और अगर वो चीज मर्डर के अंदर आती तो उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाएगा ठीक है ये है तीन सौ एक आपका आई होप आप, आपको ये सेक्शन तीन सौ एक समझ आ गया ठीक है क्लियर ये आपका तीन सौ एक बात करता है फिर तीन सौ दो में बेसिकली मर्डर वाला पॉइंट दे रखा है इसमें पनिशमेंट आपको ध्यान रखनी है डेथ हो सकती है डेथ पनिशमेंट या फिर एल हो सकती है या फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है ठीक है तीन सौ तीन तो अब हमारे है नहीं है ना कौन से केस uh, के थ्रू सेक्शन थ्री जीरो को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर ठीक है थ्री जीरो पनिशमेंट दे रखी है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अब इसमें वही है अपन को पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर <coughs> जो है यहाँ पर डेथ कॉज हो रही है वो आपके इंटेंशन uh, वाले पॉइंट से रिलेटेड है तो उसमें तो आपके पनिशमेंट हो सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट या पनिशमेंट अप टू टेन ईयर्स ठीक है और अगर नॉलेज वाला पॉइंट है जो अपन सेकंड पैरा में देखते हैं सेक्शन टू नाइनटी नाइन के अंदर तो वहां पर उसमें पनिशमेंट हो सकती है अप टू टेन इयर्स फाइन और बोथ ठीक है और ये थ्री जीरो आप डिस्कस कर लिया कि अगर कोई पर्सन नेग्लिजेंस के थ्रू किसी पर्सन की डेथ कॉज कर लेता है तो वो तीन सौ चार ए केनिशमेंट कहती है पनिशमेंट है दो है भाई साल तक की हो हो सकती फाइन सकता या दोनों चीजें इम्पोज की जा सकती है यस वेरी गुड प्रिया सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस जहां पर तीन सौ तीन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था ठीक है फिर तीन बी है हमारा डोरी डेथ बात करता है ठीक है अब इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि सेक्शन थ्री जीरो फोर ए कब ऐड हुआ था यह भी चीज पूछ ली जाती है कौन से ईयर में आपका सेक्शन थ्री जीरो फोर ए ऐड हुआ था कब ऐड हुआ था थ्री जीरो फोर ए ऐड हुआ था आपके एटीन के अंदर ठीक है एटीन सेवेंटी के अंदर आपका ये सेक्शन ऐड हुआ था और थ्री जीरो फोर बी ऐड हुआ था आपके 1986 के अंदर ठीक है 1986 के अंदर ये ऐड हुआ था थी। ठीक है अब देखो थ्री जीरो फिर थ्री जीरो फोर भी अपन कर लेते हैं आज का लास्ट सेक्शन यहाँ तक करते हैं अब देखो 304 भी बात करता है डाउरी डेथ की है ना डाउरी डेथ का जो को रिलेटेड सेक्शन है जो अपन एविडेंस में देखते हैं जहां पर प्रिजंपशन की बात कर रखी है वो कौन सा सेक्शन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं तब तक ठीक है तो देखो डाउरी डेथ बेसिकली क्या बात करता है कि अगर कोई पर्सन किसी की डेथ कॉज करता है बर्न्स के थ्रू है ना 1983 में 304 ए है क्या जस्ट अ सेकंड मैं इसकी बात कर रहा हूं कॉजिंग डेथ बाय नेग्लीजेंस वाले की कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की बात कर रहा हूं मैं आप डाउरी डेथ वाला पूछ रहे हैं या कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस वाला ठीक है तो देखो में क्या है कि अगर कोई पर्सन किसी की डेथ कॉज करता है बर्न्स के थ्रू या, या फिर उसकी डेथ कॉज हो जाती है और क्रुएलिटी कौन कर रहा है उसका हस्बैंड कर रहा है या फिर उसके हस्बैंड का कोई को रिलेटिव जब ऐसा कोई क्रुअलिटी करता है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है क्रुअलिटी करने का ताकि वो डोवरी की डिमांड कर सके या दहेज मांग सके तो अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है है ना तो उन सारे केसेस में उस पर्सन के ऊपर माना जाएगा कि उसने डॉरी डेथ को कमिट किया और सच डेथ इज कॉल्ड एज डेथ ठीक है और ऐसे हस्बैंड और बेसिकली रिलेटिव के ऊपर शैल प्रिजम्पन लग जाता है एक सौ तेरह बी के अंदर यस वेरी गुड प्रिया है ना तो वहां पर शैल प्रिजन वाला पॉइंट अपने दे रखा है ठीक है इसमें आपको पनिशमेंट ध्यान रखनी है मिनिमम सेवन ईयर्स की पनिशमेंट दे रखी है जो एक्सटेंड हो सकती है अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट तक ठीक है तो इसमें पनिशमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है डॉरी की डेफिनेशन वही है जो सेक्शन टू ऑफ द दी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर दे रखी है आपके ठीक है आज अपन यहीं तक करते हैं सेक्शन थ्री जीरो फोर बी तक <laughs> इसमें देखो ये दे रखा है ना थ्री जीरो फोर ए जो है वो आपके एटीन सेवेंटी के अंदर एड हुआ था 1870 के अंदर हुआ था और 304B जो वाला है वो 1986 के अंदर ऐड हुआ था ठीक है ओके okay, क्लियर तो आज अपन यहीं तक करते हैं बाकी के सेक्शंस से अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है और कोई डाउट है तो आप कल की क्लास में पूछ